बर्थडे फूटते भी है यहाँ। अपनी साइड चलो आराम से। और जब हम बड़ी बोलनी बोलेंगे, हम जब भाग के कभी इमरजेंसी पार्टी पिकअप करने या ड्रॉप करने, तो रॉकेट खाली गाड़ी सवारी में जहाँ हम 1.5 घंटे में पहुँचेंगे, वहाँ अकेले में 1.5 घंटे पहुँच जाते हो। पेट्रोल गाड़ी इसीलिए लेते हैं हम, पेट्रोल गाड़ी का पिकअप अच्छा होता है, मेंटेनेंस कम होती है, इसलिए पेट्रोल गाड़ी। सारी टैक्सी मारते हुए देखोगे उत्तराखंड और हिमाचल में, छोटी गाड़ी टैक्सी कहीं भाग लो, चार आते ही इसमें आराम से, चार भी आ जाते हैं छोटी छोटी, दो फैमिली भी। कल के दिन आप लोगों की शादी हो जाएगी, एक एक बीबी एक एक बच्चा आ जाएगा, गोद में दो फैमिली आ जाएंगी बिल्कुल। ये देखो ये कितना टन दौड़ है, वो देखो, वो है छोटा कैलाश, कितना अच्छा लग रहा है। वो ऊपर ऐसा गोल शंकुधर दिख रहा है ना, 2 किलोमीटर का वो है, वो एकदम कैलाश जैसा दिख रहा है। दो अपशेप 2 किलोमीटर का वो है क्या ग्राउंड? अच्छा, शिवरात्रि को वहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन भोलेनाथ के ऐसी सकते, तीन रात वहाँ भोलेनाथ बैठे थे, तभी तो छोटा कैलाश पर्वत है वो। शिवरात्रि को पैर रखने की जगह भी नहीं होती बाबा। मजा अभी वहाँ आएगा ना कुछ ज्यादा, जब पैराग्लाइडिंग करोगे कल ना, पैराग्लाइडिंग कर लेना, ब्रेक क्रॉसिंग कर लेना, ब्रेक क्रॉसिंग भी नहीं करनी है, वो लिप वाला पानी में जंप ना, रस्सी द्वारा बार बार, अभी देख लेना मंड में आएगा, कर लेना नहीं आएगा कोई बात नहीं। वाटर बॉल आजकल के दिन ही छोटे होते हैं, 5:30 बजे लाइट जल जाती है, अपने हर काम फटाफट निपटना चाहिए आदमी ने, बस तब जरा टूर का पूरा हो उत्तराखंड को, इसलिए देवभूमि बोलते हैं। कदम कदम पर सब शक्तिपीठ है, कदम कदम में मंदिर है, मेन नैनीताल में माँ नैना देवी भी, माँ की नैन गिरी थी लेक में। तुम्हारा ये इसमें कितना परसेंट है, पावर बैंक है? हाँ अच्छा, 3-3 ले के आए वो, देखो प्लेंस में धूप है साला, क्या कहते हैं, कोहरा पड़ा है, मौसम ही देखो, आसमान देखो कितना प्यारा व्यू है। अगर आज हाँ गागर जाओगे आज हिमालय दर्शन भी हो जाएगा तुम्हारा। गागर भी कहाँ है, खबराड़ कह रहे हैं, तो फोटो ले तेरा, वीडियो बना रहे हैं, ये धुआं है, बादल है, धुआं है तो आगे रात का क्लियर दिख रहा है, खेत में आगे अभी तुम भी तो कुछ दो वीडियो ले रहे हैं, उलझा इधर भी होती, फिर बस से या ट्रेन से आते उलझा उलझा होती, फिर हमारे घर जाते आते दिक्कत हो जाती, मजाक किरकिरा हो जाता है। आप लोगों की हैबिट पड़ी है, हैबिट पड़ी है वो, तो मैं चलाता इस वजह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हर कोई ड्राइवर से भी आराम से भी आराम से, कभी भी कोई गाड़ी बुक करेगा टूरिस्ट घूमने आते हैं वो ये नहीं कहेगा तेज चलो, उसके लिए आप जितने आराम से चलोगे उतना खुश रहेगा। एक तो प्लेन से आने लोगों को बाहर में बोर्ड में करने में सिर भी घूमता है, मेरे साथ सिर नहीं घूमता, मैं एक ही सीट में चलता हूँ, बोर्ड कभी झटके में मत काटो, आराम से चलो कुछ नहीं होता, लोग भी साइड व्यू लेते रहते हैं देखते रहते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। कोई भी चीज करो आराम से, जल्दबाजी नहीं,
ये पत्थर काटे गए पूरा पहाड़ जैसी मुझे कहा। जब बारिश होती है तो नंदा लोड एकदम बंद हो जाती है। नंदा लोड तो एन एच अंग्रेजों का बनाया है, रोडिंग बड़ी प्यारी है। ये एकदम एक ही पहाड़ी में इंडियन इंडियन इंजीनियर से ना एक ही पहाड़ में चढ़ा दी है। मेरे को तो नैनीताल में भी बुलेट मिलती है, लाइसेंस से होना चाहिए। हाँ लाइसेंस से होना चाहिए और बुलेट मिलती है। खाली टैंकी देंगे, तेल अपना डालोगे, 800-1000 लेते हैं वो, चाहे आप एक घंटे के लिए लो या दिन भर के लिए। और हेलमेट जरूरी होना चाहिए, दो ही बैठने चाहिए, बहुत सख्त रूल है। एक बार दिल्ली के कपल ने लिया घोड़ाखाल, जहाँ जाएंगे अभी घोड़ाखाल मंदिर, वहाँ चले गया बेचारा, वहाँ हो गया स्लिप, स्टीयरिंग रॉड टूट गई साली, क्लच का वो टूट गया, मुँह छिल गया, मैडम के कोहनी छिल गई हाथ की, बड़ा बिगड़ पड़ा, बुरा फंसा बेचारा। वहाँ की स्टाइल में दौड़ रहा था, बुलेट गाड़ी हुई, जरा डिल बैलेंस हुई, वो तो अच्छा हुआ, हाथ पैर करंगे उनके बस के, किसका घूमना किसका क्या। वो अपने हिसाब से ही चलेगा। प्लेन वाले जब चलाते हैं गोली, गाड़ी वाले जाते हैं प्राइवेट गाड़ी वाले ना, प्लेन से डी आल है तुम्हारा लखनऊ 32 नंबर, हवा थोड़ी रोड खुली नहीं पूरा दबा देता है एक्सीलेटर। अरे इतनी जरूरत ही क्या है यार, चढ़ाई के मोड़ों को भी चलो आराम से, चढ़ाई के मोड़ों में भी ब्रेक दबा के मोड़ काट दो, बताओ इतनी स्पीड में भागते क्या फायदा भाग के, और फूटते भी बहुत है साहब। पहाड़ की ड्राइविंग टफ नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन आप अपने साइड चलो। वहाँ नोटिस बोर्ड क्या लगा था, आगे पत्थर गिरने का भय है ना, हर पहाड़ में अंदर स्थिति ज्यादा रहती है, रोड लग जाते हैं। वो देखो नीचे पहले वहाँ को देखो, हल्द्वानी समय थोड़ा देखो कोहरे से, वो है हल्द्वानी का नहीं है, वो चमन तो रहा है काट था हल्द्वानी हो, अभी उसके आगे हल्द्वानी है, कोहरा लगा वहाँ देखो अभी हल्का हल्का, जितना प्लेन में ज्यादा कोहरा वो सफेद लाइन कितनी ऊपर आई है देखो कोहरे की, प्लेन से देखो उधर को बरेली डायरेक्शन कुछ छुप गया, और यहाँ देखो ये चटक की धूप, आसमान देखो ये कितना साफ रहा एकदम नीला, पूरी नदी दिख रही है देखो, वो नदी को देखो वहीं से द्वारा देखो उत्तराखंड का सेकंड नेम ही देवभूमि है मालिक, हरिद्वार ये पूरे इंडिया का टॉप टूरिस्ट प्लेस नहीं हो सॉरी तीर्थ स्थान, हरिद्वार ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री हेमकुंड गौमुख सब उत्तराखंड। हरिद्वार के लिए तुम्हारे यूपी और उत्तराखंड का 2008 तक पंगा हुआ कि सब चीज उत्तराखंड में चलेगा, हरिद्वार हमें दो। उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट थे, अंडी तिवारी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सेंट्रल में अच्छी पकड़ थी, अंडी ने फिर भी हरिद्वार ही पास करा, उत्तराखंड में ही पास कराया हरिद्वार। हाँ फिर अब एक ही इलाहाबादी तो आया यूपी को, उज्जैन और नासिक, क्योंकि इंडिया में चार ही जगह है ना महातीर्थ, हरिद्वार इलाहाबाद उज्जैन और नासिक, जहाँ मेले लग बड़े वाले। नेपाल इधर से कितने दूर है? वो है बाबा नैनीताल, वो है दूर, नजर मारो लेफ्ट साइड, वो नैनीताल चमक रहा देखो, वो है नैनीताल, नेपाल के इधर वाला, वो है नैनीताल। अरे वो नहीं नेपाल के, हां नैनीताल। भीमताल कहाँ है? यहाँ है भीमताल राइट साइड, तो चलिए हम तो भीमताल जा रहे हैं। कहाँ खोए भाई,
इनसे कह दो लखनऊ से हम सीतापुर की ओर जा रहे हैं, ये सर हम बाराबंकी की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें उलझन महसूस, सीतापुर की तरफ चले हैं। इधर से ज्यादा नेपाल कितनी दूरी पे है? नेपाल तो टनकपुर से टच हो जाता है यार। नहीं, यहाँ से कितनी दूरी पे है? 150 महेंद्रनगर, आपके यहाँ से धनगढ़ी आना सोनौली से गोरखपुर, तो बैराज वाला रूट। हाँ, बैराज गोरखपुर, हाँ गोरखपुर सोनौली वाला, हाँ गोरखपुर। हाँ जी, मैं तो सब गया हूँ भाई, अंदर कुशीनगर पड़ रहा है, मैं आज का हूँ, 30 साल हो गए। मैं तो पैसा देगी, लेकिन पैसा देने के बाद वसूल करवा उसको, यहाँ इतने कमीने हैं भाई साहब। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी का मारो, सही बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं दूध का धुला हूँ, लेकिन कहने का मतलब है पुराने पुराने ड्राइवर फिर भी इज्जत और ईमानदारी से पूरा घुमाते हैं। ये जो नए वैरायटी के छोकरे आ गए ना, ये बड़ा मजा गिर गया, उनका घुमाया कस्टमर हमें मिल जाए तो भाई साहब उसको हम दोबारा घुमाते हैं। ये लगा लो अब, ये क्यों वो छोड़ देते हैं स्पॉट, एक बार दो तीन घंटे फटाफट भी तो हम करें, पूरा तो पूरा भी घुमा देंगे, लेकिन जो नॉलेज वाली चीजें जो बताने वाली वो नहीं बता पाए। मैं तो नॉलेज बाई नॉलेज, अब ये भाई साहब पहले भक्ताल तुम भी आए, तुम 7 साल आए हो पहले, हाँ, मेरे पीछे ये मेरे पीछे वाले नहीं आए हैं, ठीक है, आप भी आए हो भीमताल, आप भी आए हो भीमताल, क्यों कहते हैं तो भयंकर वाला, तभी तो मैं कह रहा हूँ मैं बताऊंगा सब, और आने के दिन पूछता हूँ पर पॉइंट 100 रुपए हुआ अलग पड़ेगा, फिर क्या फायदा तो मैं बताऊ, अब मैं बताऊंगा तुम्हें भी, सब बताऊंगा। मैं एक एक चीज का बताता हूँ, और गोलजू के मंदिर जब जाएंगे, भैरव अवतार, कृष्ण अवतार, गोलजू साक्षात, वो पुजारी जी कहते हैं जिस बंदे का सुप्रीम कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाया, गोलजू के दरबार में अर्जी लगा दो, 3-6 महीने साल भर के अंदर तुम्हें दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा दोस्त। वो चीज है गोलजू, फिर क्या यार, अभी देखना कितने स्टाफ वहां पर, ये देखो लवरशिप पॉइंट पे एक सुसाइड पॉइंट के लिए बैठा है बेचारा, ये उनको यहाँ पर नहीं रुकेगी आराम से, ये बहुत टर्निंग जबरदस्त है ना, वो ना रुकेगी, हाँ ना रुकूंगा ना।